आया गमलेश्वरी जी। हाँ कौन सा? ये पता है फिल्म से आया, किसी इलम से आया, भारत से आया, उत्तर प्रदेश से आया, वाह, या कि हरियाणा से आया। अरे वाह, गीत आया कौन सा है राजू? कि सपना में मैं तेरा सपना में मैं तेरा इंतजार करता हूँ और जान से ज्यादा जाने मन तुझ प्यार करता मेरी जिंदगी। वाह वाह वाह, क्या मैं थोड़ी गाया, फिल्म गाया जी, उम्र के हिसाब से अच्छा गाया, हमने नहीं गाया। जान से ज्यादा जाने मन तुझे प्यार करता हूँ तो मेरी जिंदगी में आ गया, मेरा दिल का चैन चुराया, तू संग मरमर की मूरत, तुझे देख के दिल मेरा आया। बल 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 बल। इतने ज्यादा कितने हैं? चार चार लियो, जितने उतने कर रहे भाई। पल 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 याद करी तड़पाए थे, पल 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 याद करी तड़पाए थे, खूब जिगर पे बल पे आग लगाए। आनंद भी लीजिए और थोड़ा सा जो मैं देना चाह रहा हूँ। दीपक भैया, यहाँ बहुत सारे कीर्तनकार लोग आए हैं, वे मिलकर गए हैं, मैं देखता हूँ आप भी अच्छे कलाकार हैं जी और अच्छे गुरु के शिष्य हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ। हाँ कह रहे थे गुरु के प्रणाम। आने हमको सबको धन्यवाद देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं कमलेश्वरी जी, आपके गुरु जी को, आपके गुरु की गुरु जी को भी धन्यवाद देते हैं। अरे वाह, सुनिएगा गीत सुनिएगा। लोगों ने प्रथा बनाई कीर्तन में बीरबल जी चार युग गाने की। अरे वाह दीपक भैया सुनना, चार युग गाने की प्रथा बना दी लोगों ने, मुझे आज तक ये पता नहीं है और ना किसी को पता है कि सतयुग और त्रेता का जोड़ कहाँ है। सतयुग कहाँ खत्म हो गया, कहाँ से त्रेता शुरू, तो कोई नहीं जानता। द्वापर और त्रेता का जोड़ कहाँ है, कहाँ त्रेता खत्म हो गया, द्वापर कहाँ से शुरू हो गया, कोई नहीं जानता। बस जानते इतना है कि राम की चर्चा कर दी तो त्रेता, कृष्ण की चर्चा कर दी तो द्वापर। हाँ कलयुग और द्वापर कई संधि जरूर परीक्षित के यहाँ से है जी, इसके अलावा कोई संधि नहीं। इससे मैंने चार युगों का मामला छोड़ा जी और मैंने सोचा कि अगर चार ही गाना है तो प्रदीप भैया गीत सुनिएगा। क्या बात है, मैंने चार रचनाकारों के चार ग्रंथों से ये गीत तैयार किया। वो चार रचनाकार, उनके अलग अलग चार ग्रंथ, ये गीत तैयार किया है। आएगा गीत को सुनिएगा, जो भी माता रानी के दरबार में आता है सबसे पहले कहे जय माता की, जय माता, जय माता की। लेकिन जय में भी मैंने भेदभाव देखा कैसा, और गीत को लिखना शुरू कर रहा हूं। दीपक भैया सुनना, पहला ग्रंथ है दुर्गा सप्त सती मार्कंडेय पुराण,
दुर्गा सप्तशती पूरी पढ़ने के बाद मुझे एक श्लोक मिला। कौन सा? जो जैसे शुरू था। जानकारी के लिए बता दूं कि पूरी दुर्गा सप्तशती में केवल एक ही श्लोक है जो जैसे शुरू है। पूरी में केवल एक जय है। कौन सा? एक ही श्लोक जो जैसे शुरू है वह जय तो देवी चामुंडे जय भूता तिहारे जय। सुनिएगा और मैं गीत वहीं से शुरू करता हूँ। जयत्तम देवी चामुंडी जय भूता तिहारन जय सरस्वती देवी कालति नमस्तुते स्वधा नमस्तुते। जय जग जननी जग तारी जग जननी जग तार भगवती भूत भयहार और तुम जननी हो। किसकी? के तुम जननी हो हर 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 विधाता की। केवल एक दो की नहीं, तुम जननी हो हर हर और विधाता की। जो भक्त मंडली को वही जय ये भक्त मंडली को वही जय माता की। वो कमी की जय बोले जाती है। तुम लोग कहते हैं प्रेम से बोलो जय माता जी, सारे बोलो जय माता जी, हम भी बोले जय माता जी, हम भी बोले जय माता जी। भक्त मंडली को वही जय इस जय में थोड़ा सा फर्क आया। इसमें जय माता की केवल एक जय आया और श्लोक में भी एक जय देवी चामुंडे। याद है दूसरा विषय देखा, दूसरा ग्रंथ देखा। दूसरा ग्रंथ है श्रीमद् रामचरितमानस रचयिता गोस्वामी तुलसीदास। याद है सीता ने प्रभु राम की झांकी बाट के अपनी देखी और वहां से दौड़ कर माता गिरजा के सामने आई और हाथ जोड़ कहने लगी। क्या एक विचित्र दृश्य देखिएगा, माता मैंने सेवा की है आज तक, आज वरदान पाने का समय आ गया, माता मुझे वरदान दो। माता ने कहा बेटी क्या चाहिए? कहा वर चाहिए। वर में कौन सा वर चाहिए? एक विचित्र दृश्य देखिएगा दीपक भैया कमलेश्वरी। सीता चित चित्रित कर चित्रित कर पावन छवि राम कामनी कामना करती नैना स्थिति विचित्र मार करती। बेटी बता वर्षा ये तो कौन सा? कौन सा? सीता देखती है कि नैनों में राम समाए, नैनों में राम समाए, अंतर में राम बसाए, गिर जा गिरी चरणों में तब मुख पे राम न आए। बार
रुकी बता बेटी, नाम नहीं आ रहा, कहा मैं नाम नहीं ले पा रही। हमारी माताएं बैठी हैं, नाम क्यों नहीं ले पा रही? सीधा राम का नाम सीधा बोल नहीं सकती ना, बोल सकती है लेकिन हमारी ये संस्कृति है कि जिसको मैंने पति मान लिया, आखिर उनका नाम हमारी भारत की सब नारी कैसे ले सकती है। मैं आजकल की बच्चियों की बात नहीं करता, आजकल बड़ी विचित्रता है, शादी में पहली बार आती है चिल्लाती है राजू इधर आ इधर आ इधर आ, उनकी बात नहीं करता लेकिन मैं उस मर्यादा की बात करता हूँ। क्या है रहा? माने कहा बेटी बता, कुछ तो बताना पड़ेगा, तो कहा उपाय दूसरा है, चार चित्र में राम नहीं चाहिए, राम नहीं कह पाई, लक्ष्मण का भाई चाहिए। चार चित्त में चार लखन के भ्राता दे। भैया जी तो जनक नंदिनी बोली जय जय माता की, पहले जय माता की, जनक नंदिनी बोली जय जय माता की, ये दो बार क्यों कर दिया? क्यों? मैंने नहीं, ग्रंथ ने कर दिया, जय जय गिरिवर राजकिशोरी, जय जय गिरिवर, क्या बात है, जय जय जनक नंदिनी बोली जय जय। तीसरे ग्रंथ का नाम है दुर्गा चालीसा। देखिए तीसरा ग्रंथ और तीन जय, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान शिव का ध्यान करते हैं, कई साल बीत गए लेकिन सफलता नहीं मिली। शंकर के तप में शंकर, शंकर के तप में शंकर, तन तपते हैं तप, लेकिन कब कब वर्षा में सर्दी में और घोर तप, लेकिन कई साल बीत गए तन में न रही जब शक्ति, तपस्या करते करते साल बीत गए शरीर क्षीण हो गया, तन में न रही जब शक्ति, तब याद आई माँ शक्ति, शक्ति के बिना इस तन में शक्ति कैसे रह सकती, तो याद आई तब, याद आई तब माता के जगराता के, भैया याद आई तब माता के जगराता के, तो शंकर बोल रहे जय 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 माता की, तीन हो गई। क्यों? मैं नहीं, ग्रंथ ही कहता है शरणागत है कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। अंतिम तीसरे रचनाकार जिनका नाथ है गुरु गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, सुनिएगा। अरे अंतिम अंतिम बंद को बोध कर रहा हूं, सभी लोग का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।
24 अवतार हुए भगवान के केवल भारत में, और कहीं देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक भी नहीं गए, 33 कोटि यहीं गए। या तो क्यों, क्या मन देवी देवा का मन देवी देवा का इस देश में रमता, किस देश में है ये क्षमता जो करे भारत की समता, सवाल उठाएंगे हमारे विद्वान लोग कि अगर भारत की कोई देश क्षमता नहीं कर पा रहा है तो मुट्ठी भर का पाकिस्तान बार बार क्यों आक्रमण कर रहा है, क्यों हमारे सैनिकों को मार रहा है, उसका कारण है क्या, माँ का हृदय दयालु होता है, कहेंगे कैसी माँ, कैसे सब देशों से भारत का है माँ बेटी का नाता, कैसे प्रमाण है कोई, सुनिए सब देशों से भारत का है माँ बेटी का नाता, इसलिए चंद्र भारत को कहते हैं भारत माता, कोई नहीं कहता चीन माता, कोई नहीं कहता अमेरिका माता, ना ना कोई कहता पाकिस्तान माता, सब देशों से भारत का है माँ बेटी का नाता, इसलिए चंद्र भारत को कहते हैं भारत माता, प्रमाण बताए, अच्छा जनगण मन अधिनायक भाग विधाता के, छोटा सा बच्चा अगर 3 में भी पढ़ता तो ये जानता है, तो बोले जय 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 भारत, कहां से आया, कहां से बताएं दीपक जी, जनगण मन अधिनायक कहे भारत भाग्य विधाता, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय 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 हे जय 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 हे, शुद्ध बीच में कुछ नहीं आ रहा ना, जहां आ रहा है उसको नहीं ले रहा हूँ, जय हे तो साथ हो जाएंगे ना, बीच में हे है जहाँ शुद्ध जय 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 हे, जनगण मन अधिनायक भाग्य विधाता की, बोलो जय 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 भारत, एक जय जय माता की, जय जय माता की, जय 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 माता की, जय 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 माता की, अगर चाहे एक ही ग्रंथ से ढूंढ लेना, विधा है कि 4 ग्रंथों से ढूंढ करके जवाब लाना है, ना बने तो एक नाम से उसको ढूंढ लेना, उसमें मिल जाएगा जी, बहुत है 40 ही देख लेना, जय 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 हनुमान गोसाई, बहुत मिल जाएगा, याद है, प्रेम से बोलो सारे माता की,
सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, दो मिनट का समय प्रेम से बोलो। माता जी आरे बोलो, आरे बोलो जय माता जी, भैया बोले जय माता जी, बहने बोले जय माता जी, बच्चा बोले जय माता जी, अम्मा बोले जय माता जी, सबको बोले जय माता जी, हम भी बोले तुम भी बोलो जय माता जी, तुम भी बोलो जय माता जी, आगे बोले जय माता जी, पीछे बोले जय माता जी, हो जोर से जय माता जी, हो माता जी, हो माता जी, हो भारत माता की जय। आइएगा इन माता से शुरू करके भारत माता तक चक्र आप लोगों ने सम्मानीय दादाजी से सुना है। तमाम बातें कर रहे थे दादाजी आप, जवाब भी लेकर आए, बहुत सुंदर। चूंकि मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, छोटी हूँ, कहना पड़ेगा बेटा, लेकिन एक बात है जो मैं कहे बिना रह भी नहीं सकती। कहो बेटे कहो। ये बात है कि मैं ऐसा नहीं सोचती थी कि मुझे आपसे ऐसा जवाब मिलेगा, क्योंकि आज तक मैंने जितने कलाकारों से भी ये गीत गाया है, नवरात्रियों में जितनी मंचों पर गाया है, आज तक मुझे सही जवाब नहीं मिला। आज लेकिन आपसे उम्मीद थी, क्योंकि मैंने अपने गुरुवर श्री दीपक द्विवेदी जी से आपके बारे में बहुत कुछ सुना, इसलिए उम्मीद थी कि आज मुझे जवाब मिलेगा जो मैं चाहती हूँ। पानी भर गया, लेकिन उम्मीदों पर पानी फिर गया। चलिए ठीक है, आपने जो जवाब दिया उसमें विधा तो लगाई है, लेकिन पूरी नहीं, आधी अधूरी। विधा आपकी दो लाइनों में कायम है, बाकी तीसरे लाइन से विधा खत्म है। ध्यान नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, बुढ़ापा है बेटा। दादाजी नहीं, मैं कह रही हूँ कि नहीं है, मैं उनको हमेशा पहले से भी दादाजी कहती आई हूँ, अब तो निश्चित ही है, और अब निश्चित ही है आप मेरे दादाजी। लेकिन खैर चलिए ठीक है, पहले दौर की बात है, बहुत सुंदर। चूंकि आपने ध्यान नहीं दिया मेरी गीत की लाइनों पर, अगर ध्यान देते तो आपको सोचते कि हाँ वाकई में गीत में दम है, आपने सोचा ही नहीं तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरा पूरा गीत जो गीत के अंतरे हैं वो शब्दों से बंधे हुए हैं। पहला अंतरा साया शब्द दर्शा रहा है, शब्द के अंत में आ रहा है कि मन हर साया है और सबको हंसाया है, तो नौ दिन नैनों से मैया ने नीर बहाया है, जल बरसाया है, और फिर दो लाइनें आती हैं जिनमें देखिएगा आप, तुम्हारा साया है और मन बसाया है, तो माँ ने करुणा कर हर्ष दर्शाया है। बेटा ध्यान नहीं दिया, नहीं तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, नहीं तो वो ऐसा ना सोचे कि आज नातिन से प्रोग्राम है तो हल्के में ले लेंगे, कंचन से ताला पड़ा है, ऐसी बात नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, खैर ये पहला चक्र है, कोई बात नहीं, लेकिन गीत आपका बहुत सुंदर आया है। कह रहे थे मैं नहीं जानता कि फिल्म से है कि इल्म से है, अब इल्म से होगा या फिल्म से होगा वो तो आप जान सकते हैं, अनुभवी है। चलिए ठीक है, प्रयास में जोर से देखिएगा। Thank you.
लेकिन दादाजी सुनिएगा, कहना है क्या कि अभी से क्यों तेरी आंखों में आंसू पाए जाते हैं, ठहर जाए मरीज गम, अभी वो आए जाते हैं। कहना है कि अभी से क्यों तेरी आंखों में आंसू पाए जाते हैं, और ठहर जाए मरीज गम, अभी वो आए जाते हैं। रिहदा हाथों पे और रंगीन बनाने के लिए मेहंदी की जगह पत्थर पे दिल पसवाए जाते हैं। आपका बहुत सुंदर सुनने का कहना है सुनिएगा कि झील सी गहरी तेरी आंखों में खो जाऊं, और अगर अच्छा लग जाए तो आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। कि झील सी गहरी तेरी आंखों में खो जाऊं, ज़ुल्फ़ घटा तारी तेरी मैं में सो जाऊं, घटा तारी तेरी मैं में सो जाऊं, निर्दहिया देखे सपना कब बने का तेरा सजना, भूख प्यास ना लागे तू बना ले गोरी अपना, मन पल 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 सुनेगा, मन पल 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 याद तेरी तड़पावे से, रूप जिगर बैरण के क्या बात है बेटे, और सुंदर मन पल 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 याद तेरी तड़पावे से, तेरा रूप जिगर बैरण के बजाओ, क्योंकि उधर बड़े भाई बज रहे हैं तुम्हारे बेटा, क्या बजाते हो लेकिन दादाजी सुनिएगा, बहुत सुंदर बात लेकर आए आप अपने गीत में, अरे तो बिटिया ध्यान देना, पहले एक जय फिर दो जय तीन जय फिर चार जय, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दादाजी मेरी ओर से सिर्फ प्रयास है, और अगर प्रयास अच्छा लग जाए तो आशीर्वाद देना। कहना है पहला जय, और जो पहला ग्रंथ आपने लिया है हनुमान चालीसा, वही से मैं भी ले रही हूं, देखिएगा। कहना पाई है तुलसी शक्ति, और
शब्द भी मिलाइएगा। आप कह रहे थे कि शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो कहना है कि पाई है तुलसी शक्ति जब प्रभु में हुई है आशा। कहना क्या पाई है तुलसी शक्ति, कहना कि पाई है तुलसी शक्ति जब प्रभु में हुई आसक्ति। क्या बात है बेटे, कहना। और दूसरी लाइन देखिएगा, तब लिखा है ग्रंथ अनोखा। आप कह रहे थे तुलसीदास जी ने, तो कहना है तब लिखा है ग्रंथ अनोखा शक्ति कुछ भी करना, शक्ति कुछ भी कर सकती। जब शक्ति कुछ भी कर सकती है तो सुनिएगा, कहना क्या बेटे क्या, सारे जग ने है जाना। क्या क्या, सारे जग ने है जाना, ना कोई है अनजाना। जिसने भी प्रभु को जाना, ये जग ने है उसे जाना। क्यों, जिसने भी प्रभु को जाना, जिसने भी प्रभु का स्मरण किया, प्रभु से लगन लगाई, तो देखेगा, कहना क्या बेटे क्या। जिसने भी प्रभु को जाना, ये जग उसको है जाना। तो क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रही हूं, ये बात मानस कह रही है, हनुमान चालीसा। सुनिएगा, ये बात मैं नहीं कह रही हूं, ये बात हनुमान चालीसा कह रहा है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तुहुं लोग उजागर। सुनिएगा, कहना है तुलसी ने प्रेम से चालीसा जब गाया है, जय हनुमान ज्ञान से शुरू कर, तो जय हनुमान ज्ञान से शुरू कर। अगर आपको प्रयास जब आपको अच्छा लगे और लगे कि मेहनत की है तो आशीर्वाद दीजिएगा। अब दूसरा बन देखिएगा दादाजी, कहना है वैसा हुआ तो कहना है क्या, तीसरी लाइन सुनिएगा, दूसरा बन सुनिएगा, कहना है दादाजी। और दूसरे ग्रंथ से ले रही हूँ,
कहना है सनी चालीसा से, कहना क्या कि जाने ना कोई भी जियो, तुम्हारा कोई जोर नहीं। जाने ना कोई माया, जाने ना कोई भी माया, कईयों का दिल भरवाया। कब क्या बात है, बहुत बढ़िया क्या बात बेटा। जाने ना कोई भी माया, कईयों का दिल भरवाया। इस सारी ही सृष्टि में क्या लेख सनी ने जमाया है। यहाँ देखिएगा सनी भगवान क्या खेल खेल रहे हैं, कहना क्या इस सारी सृष्टि में क्या खेल सनी ने जमाया। तो बस क्या है इनको प्यारा, शनिदेव को सुनिएगा, बस क्या है इनको प्यारा, ये जाने हैं जग सारा। रखते हैं संदृष्टि प्रभु, सारा जग इनसे हारा। शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं, न्याय के देवता हैं शनिदेव, और जब न्याय वो करते हैं तो किसी पर ऐसा नहीं करते कि किसी का निर्दोष हो तो उस पर कुदृष्टि डालें, जो निर्दोष ना हो उसे सजा ना दें। इसलिए कहते हैं सुनिएगा दादाजी, जब शनिदेव ने खेल दिखाया तो कहना क्या कहीं कहीं शनिदेव ने खेल दिखाया है। तो जय जय शनि भगवान ये प्रेम से गाया है। दूसरी लाइन देखिए, ये भी बात मैं नहीं कह रही हूँ, सनी चालीसा कह रहा है कि जयति जयति शनिदेव दयाला, सदा करत भक्तन प्रतिपाला। इसलिए कि कहीं कहीं शनिदेव ने खेल दिखाया है, जय जय शनि भगवान प्रेम से और सुनिएगा अंतिम बंद, जवाब का सुनिएगा दादाजी, सुनिएगा। और अब देखिएगा हर एक बंद में ग्रंथ बदल रहा है, और सुनिएगा, और साथ में जैसे आप जय की गिनती बढ़ा रहे थे वैसे ही प्रयास मेरी ओर से है, बहुत अच्छा। ले रही हूँ लक्ष्मी चालीसा से, कहना है जिस जिसने ध्यान लगाया ये धर्म ग्रंथ है गाया, ग्रंथ है बताया तो दया हुई माता की कष्टों को दूर भगाया, कष्टों को दूर भगाया, कष्टों को
नहीं होता, इसलिए जब तक लक्ष्मी साथ में है तब तक इंसान के पास कहते हैं कि सब कुछ है। इसलिए सुनिएगा, जिस जिसने ध्यान लगाया ये धर्म ग्रंथ है गाया, तो दया हुई माता की, लक्ष्मी माँ की, तो दया हुई माता की कष्टों को दूर दूर हो जाते हैं। सब सुख संपत्ति है भाई, माता ने कृपा बरसाई, करती है दया भक्तों पे ये सारे जग की माई, कहना है। माता की दया से जिसने समाया है, माता की दया से जिसने अपने उर में बसाया है, क्या बात है, जब अपने उर में हृदय में समा लिया तो सुनिए ना, क्या माता की दया को जिसने अपने उर में समाया है, तो जय 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 लक्ष्मी सभी ने गाया है। क्योंकि ये बात लक्ष्मी चालीसा कह रहा है कि जय 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 लक्ष्मी भवानी और सब में व्याप्त हो गुड़ खाने, इसलिए सुनिएगा, कहना माता की दया को सबने अपने उर में बसाया है, जय हनुमान ज्ञान से शुरू कराया है, जय हनुमान ज्ञान से शुरू कराया है, जय जय शनि भगवान सभी ने गाया है, जय 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 लक्ष्मी भवानी